क्या आपको पता है जंगल का एक छोटा सा जानवर कितना खतरनाक हो सकता है? क्या आप जानते हैं क्यों जंगल के जानवर एक छोटे से जीव से खौफ खाते हैं? क्यों एक मासूम सा दिखने वाला क्यूट जानवर बन गया है विलेन? पाइन मार्टिन्स नाम का एक जानवर ऐसा है जो दिखने में तो छोटा है, लेकिन इसके साइज से बड़े जानवर इससे डर के भागने लगते हैं। इसका कारण है इस छोटे जानवर का शिकार करने का तरीका और फुर्ती। पाइन मार्टिन्स चूहे से लेकर सांप तक का शिकार कर सकते हैं। जमीन पर तो क्या, आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी इस मासूम जानवर से डरते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो में आप इस पैंडा को देखिए और इस मासूम से दिखने वाले ये पाइन मार्टिन को देखिए। इस छोटे से जानवर को देखकर क्या आप विश्वास करेंगे कि इसने इतने बड़े पैंडा को कैसे इतना घायल कर दिया है, जिससे वो ना तो ठीक से चल पा रहा है और ना ही बैठ पा रहा है। इस घायल पैंडा को सिचुआन में कुछ रेंजर्स ने दर्द में देखा तो तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां डॉक्टर्स ने काफी मुश्किल से इस 3 साल के पैंडा की जान बचाई। इसके अलावा 2016 में न्यूज़पेपर में छपी इस खबर को भी देखिए, जहां बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है पाइन मार्टिन अटैक्स शीप। अब शायद आपको समझ आएगा कि ये छोटा सा जानवर कितना खतरनाक है, कि ये अपने से साइज में बड़े जानवर पर हमला करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं पाइन मार्टिन के बारे में। पहले तो बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पाइन मार्टिन्स मस्टेला डाई फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो वीजल्स, फेरेट्स, पोल कैट्स जैसे जानवरों की तरह दिखाई देते हैं। इनके कान गोल होते हैं, छोटे पैर होते हैं, लंबा शरीर होता है जो इन जानवरों से साइज में थोड़ा बड़ा होता है। इनका वजन करीब 1 से 2 किलो के बीच में होता है और नाक से पूंछ की लंबाई करीब 60 से 70 सेंटीमीटर होती है। इनके वजन और लंबाई की तुलना बिल्ले से की जा सकती है। वहीं अगर बात करें इनकी अपीयरेंस की तो इनकी बॉडी पर ब्राउन फर होता है। इसके साथ ही इनके गले और चेस्ट का हिस्सा हल्का पीला होता है। ये जानवर किसी भी ऊंचाई वाली जगह पर तेजी और आसानी के साथ चढ़ सकते हैं, जिसमें इनकी लंबी पूंछ, बैलेंसिंग में और लंबे पंजों पर फर इनको ग्रिप बनाने में मदद करते हैं। अगर कभी ये गलती से ऊंचाई पर चढ़ते वक्त गिर जाते हैं तो ये हवा में ट्विस्ट करते हुए खुद को संभाल लेते हैं और आसानी से चारों पैरों पर लैंड कर जाते हैं। आप सुनकर शायद चौंक जाएंगे कि पाइन मार्टिन 6 फुट लंबे फेंस पर 3 सेकंड में ही चढ़ सकते हैं। क्या आपको पता है कि पाइन मार्टिन्स कहाँ रहते हैं, मतलब पाइन मार्टिन्स की हैबिटेट क्या है? पाइन मार्टिन्स के नाम से ही शायद बहुत लोगों ने गैस कर लिया होगा कि ये पाइन ट्रीज पर रहते हैं। इसके साथ ही इनको रॉकी एरियाज, स्क्रब्स और क्लिफ्स पर रहना भी पसंद है। ये मासूम सा दिखने वाला जानवर यूरोप के साथ ही नॉर्दर्न सेंट्रल स्कॉटलैंड में भी पाए जाते हैं। हालांकि सदर्न स्कॉटलैंड में भी इनकी कुछ संख्या देखी जाती है। पाइन मार्टिन्स को पेड़ों के छेदों में अकेला रहना काफी पसंद होता है और ये सिर्फ ब्रीडिंग के लिए समर्स में इकट्ठा होते हैं। ये जानवर अपनी ही टेरिटोरी में रहते हैं और एक पाइन मार्टिन अपने लिए काफी बड़ा एरिया कवर करता है, जिसमें मेल्स फीमेल्स के मुकाबले ज्यादा बड़ी टेरिटोरी में रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये क्या खाते हैं, यानी इनकी डाइट। वैसे तो पाइन मार्टिन काफी अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं, लेकिन वो अपना ज्यादातर खाना जमीन से लेते हैं। इनका मेन फूड सोर्स बर्ड्स, इंसेक्ट्स और छोटे मैमल्स होते हैं, जैसे वोल्स और रैबिट। बेरीज और अंडे भी इनके लिए एक टेस्टी मील होते हैं। इसके अलावा ये गिलहरी की किसी भी प्रजाति को अपना खाना बनाने से पीछे नहीं हटते, फिर चाहे वो ग्रे स्क्विरल्स ही क्यों ना हो। इतना ही नहीं, ये मौका मिलने पर किसी भी बड़े जानवर पर भी हमला बोल देते हैं। पाइन मार्टिन अपने बच्चों के लिए ज्यादातर चूजे का शिकार करते हैं। इनको मारने में पाइन मार्टिन को जरा सा भी दुख नहीं होता, क्योंकि ये इन छोटे जीवों का शिकार अपने बच्चों के लिए करते हैं। ये चूजों को अपने बच्चों के लिए अपने डेन में भी ले जाते हैं, लेकिन ये बड़े चिकन पर हमला नहीं करते, क्योंकि वैसे तो ये काफी अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं, लेकिन बड़े शिकार को लेकर पेड़ पर नहीं चढ़ पाते। ये मासूम और क्यूट जानवर सीधा दूसरे जानवरों की गर्दन पर हमला करते हैं। इनका हमला सीधा स्पाइन के ऊपर होता है। साथ ही इनका बाइट इतना खतरनाक होता है कि एक ही बार में जानवर बुरी तरह घायल हो जाता है। तो अगर आप कभी किसी जानवर पर इस तरह का हमला देखते हैं तो समझ जाइएगा कि उस हमले के पीछे पाइन मार्टिन का हाथ है, या ये कहे कि पाइन मार्टिन के दांत है। अगर बात करें पाइन मार्टिन के जन्म लेने की, तो फीमेल पाइन मार्टिन एक बार में 2 से 5 किड्स को मार्च से अप्रैल के बीच में जन्म देती है। किड्स अंधे और बिना बालों के पैदा होते हैं और ये बच्चे 6 हफ्तों तक पूरी तरह अपनी माँ पर निर्भर होते हैं। 6 हफ्तों के बाद ये अपने डेन से बाहर निकलना शुरू करते हैं और खुद से एक्सप्लोर करना सीखते हैं। हालांकि छोटे पाइन मार्टिन 6 से 12 महीनों तक अपनी माँ के साथ ही रहते हैं, जब तक ये अपनी खुद की टेरिटोरीज ना बना ले। अब हम आपको दिखाते हैं पाइन मार्टिन के कुछ हमलों के वीडियोस, जिनको देखने में आपको काफी मजा आएगा, क्योंकि इस पाइन मार्टिन का हमला करने का अंदाज थोड़ा अलग है और साथ ही क्यूट भी। इस वीडियो को देखिए, जिसमें मार्टिन एक लंगूर पर न जाने क्यों हमला कर रहा है। पहले तो ये लंगूर के चारों तरफ कूदता हुआ चक्कर लगाता है और फिर अचानक से उस पर हमला कर देता है।
ये मार्टिन लंगूर पर बार बार अपने दांतों से हमला करता है। कभी लंगूर के हाथ पर काटता है तो कभी पीठ पर, लेकिन पूरा जोर लगा देता है लंगूर को शिकस्त देने के लिए। लंगूर जैसे तैसे हाथ पैर चलाकर खुद को बचा लेता है और मार्टिन भी चला जाता है। लंगूर को भी लगता है कि शायद उसकी जान बच गई, लेकिन मार्टिन फिर से वापस आता है और लंगूर पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन लंगूर भी इस बार पूरी तैयारी करके बैठा है, वो मार्टिन को अपने पास भी नहीं आने देता। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस जानवर ने इस तरह का हमला किया है कि बिना बात बिना किसी रीजन के किसी पर भी हमला करने का हुनर रखते हैं। ये इनके लिए फेवरेट स्पोर्ट की तरह है। पाइन मार्टिन वैसे तो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन अगर उनको इंसानों से खतरा महसूस होता है तो वो उन पर भी हमला करने से नहीं कतराते। एक बार एक फुटबॉल मैच के दौरान पता नहीं कहां से पाइन मार्टिन मैदान में पहुंच गया। गेम को बीच में ही रोकना पड़ा और सभी लोग मिलकर इस जानवर को पकड़ने में लग गए। एक प्लेयर ने उसको पकड़ने की जब कोशिश की तो इस पाइन मार्टिन ने प्लेयर के हाथ पर काट लिया। इस वीडियो में आपको पाइन मार्टिन और एक कुत्ते के बीच में संग्राम होता हुआ देखेंगे। पहले तो आपको कुत्ता पाइन मार्टिन पर भारी पड़ता दिखाई देगा, लेकिन थोड़ी ही देर में सब कुछ बदल जाएगा। अचानक पाइन मार्टिन मौका पाते ही अपने से साइज में करीब 10 गुना बड़े कुत्ते पर उल्टा अटैक कर देता है और वो सीधा कुत्ते की गर्दन को दबोच लेता है। कुत्ता खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पाइन मार्टिन किसी भी कीमत पर उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। पाइन मार्टिन्स को जंगलों में देखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये ज्यादातर रात के समय में अपने बिलों से बाहर निकलते हैं। सर्दियों के समय में ये दिन के ज्यादातर वक्त में आराम करते हैं और रात के वक्त शिकार की तलाश में निकलते हैं। यही वजह है कि काफी लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं। क्योंकि ये जानवर बर्फ में आसानी से रह सकता है, तो ये बर्फीली जगह पर अपने शिकार पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटते। जरा इस वीडियो पर नजर डालिए, यहाँ इस पाइन मार्टिन को बर्फ में एक खरगोश दिखाई दे गया तो ये जनाब निकल पड़े हैं उसका शिकार करके अपना पेट भरने के लिए। ये जैसे ही खरगोश को देखता है बिना कुछ सोचे समझे सीधा उसकी गर्दन पर हमला कर देता है। पाइन मार्टिन के तेज दांतों के वार से खरगोश ज्यादा देर टिक नहीं पाता और जल्दी ही दम तोड़ देता है। जब खाने के लिए पाइन मार्टिन के पास अच्छे खासे गोश्त का इंतजाम हो जाता है तो ये अब उसको खिसका कर अपने डेन के पास ले जाना चाहता है ताकि इत्मीनान से अपने घर में वापस बैठकर अपने शिकार का मजा उठा सके। अब यहाँ आपको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा कि आखिर ये पाइन मार्टिन करना क्या चाहता है, तो चलिए हम आपका सोचने का काम थोड़ा सा आसान कर देते हैं। ये पाइन मार्टिन यहाँ एक गिलहरी की तलाश में है, इसीलिए ये गिलहरी के बिल के बाहर डेरा जमा कर बैठा है। ये बार बार उसके बिल में जाकर उसको खाने की कोशिश करता है, लेकिन गिलहरी का ये बिल उसी के साइज का है। यहाँ इस पाइन मार्टिन का घुसना काफी मुश्किल है, पर शायद लगता है कि आज इस मार्टिन की किस्मत के सितारे कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, जो इसने गिलहरी को उसके घर से निकाल कर पकड़ लिया और उस पर जानलेवा हमला भी कर दिया। गिलहरी के साथ पाइन मार्टिन की दुश्मनी पुरानी है, या ये कहे कि गिलहरी के साथ इस जानवर को खेलना अच्छा लगता है, जो इसके ज्यादातर समय गिलहरी के साथ पकड़म पकड़ाई जैसा खेल खेलते हुए देखा जाता है। अब आप इस वीडियो को ही देख लीजिए, कैसे दोनों एक पेड़ पर गोल गोल घूमकर एक दूसरे के साथ खेल सा खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल में तो पाइन मार्टिन गिलहरी का शिकार करने की फिराक में है और गिलहरी उससे बचने की कोशिश कर रही है। क्योंकि दोनों ही जानवरों को पेड़ पर चढ़ने की महारत हासिल है, तो गिलहरी पाइन मार्टिन के डर के बाद भी पेड़ से गिर नहीं रही है। और दूसरी तरफ पाइन मार्टिन अपनी चालाकी के चलते उसको अपने चंगुल से निकलने नहीं दे रहा। खैर, यहाँ तो गिलहरी के साथ क्या हुआ ये पता नहीं, लेकिन हम आपको एक और वीडियो जरूर दिखा सकते हैं जिसमें शायद ये जानवर अपने मकसद में कामयाब हो जाए। यहाँ आपको पेड़ पर एक लकड़ी का बॉक्स दिखाई देगा और जमीन पर कुछ सूंघता हुआ पाइन मार्टिन दिखाई देगा। अचानक ये बॉक्स की तरफ बढ़ता है और सीधा उसके अंदर बैठी गिलहरी पर हमला कर देता है। जिस तरह इस पाइन मार्टिन ने इस गिलहरी को पकड़ा, उसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद इस पाइन मार्टिन को पता होता है गिलहरी ज्यादातर कहाँ रहती है और कहाँ छिप सकती है। दुख की बात तो ये है कि इस जानवर की संख्या हर दिन कम हो रही है, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ एंड कंट्रीसाइड एक्ट 1981 के तहत इनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही इस जानवर को मारना, पकड़ना या फिर किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाना इलीगल है। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक मजेदार वाइल्ड लाइफ फैक्ट के साथ।